अरे ये कैसी बातें कर रहे हो कि मैं डायन हूं और मैंने बच्चे खाए हैं। कौन है तुम? आप मुझे नहीं पहचानते, आप मुझे भूल गए। तारा, ये कैसा मालिक हमारे साथ खेल रहा है खेल? आज तुझ पर इतना विश्वास मुझे नहीं था, आज तूने एक सेठ का लड़का खा लिया और तू डायन बन गई। तुझे शर्म आनी चाहिए तारा, शर्म। नहीं महाराज, मैंने किसी के लाल को नहीं खाया। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है तारा, सबूत तेरे सामने पड़ा है। सेठ का लड़का यहाँ पड़ा हुआ है, तेरे हाथ और मुंह खून में सने हुए हैं, ये सारे सबूत। ये काशी के लोग शोर मचा रहे हैं तारा, मेरे को कोई गलतफहमी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ तुझे। नहीं महाराज, अरे आप तो कम से कम अपनी जुबान से मुझे डायन मत कहिए। अरे मेरे तो पहले ही इतने दुख हैं और आज आप भी मुझे ऐसे शब्द कह रहे हैं। कुछ कहना चाहती हूँ महाराज आपसे। क्या कहना चाहती हो, सवाल सुनिए। डायन कहिए चोट पूते की जस के, और चोट पूत की जस के रह, चोट पूत की जस के मत डायन कहिए चोट पूत की जस के हो मत डायन कहिए पूते की चसके, चोट पूत की चसके रह, चोट पूत की चसके मत डायन कहिए, चोट पूत की चसके रे मत डायन कहिए, चोट पूत की चसके। सबने मेरे ऊपर गेरिया जोर, जिसके घर पे री मुद्दा पाजा वो ही मान्या जाता चोर, जिसके घर पे मुद्दा पाजा वो ही मान्या जाता चोर। कंचन छिपता नहीं कांच में, सोने पे चढ़े ना झोल, तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझे के बोले, तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझे के बोले। डायन कहिए चोट पूते की चसके रे मत डायन कहिए चोट पूते की चसके। ये तो मैं भी जानता हूं तारा, मरना तो तू चाहती है,
लेकिन इस तरह का घटिया काम करके क्यों मरना चाहती, कुछ अच्छा काम करके मरती जिससे तेरा नाम सदा सदा इस दुनिया में रहता। लेकिन तूने तो सारी करी कराई खो दी, अब तू एक सेठ के लड़की को खा गई, डायन बन चुकी है तारा, तू डायन बन चुकी है। कह दे क्या कहना चाहती है। धर्मराज के जल्दी पहुंचूं, रोहित राजकुमार मिले अगले जन्म में, अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतारे मिले, अगले जन्म में हे ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतारे मिले। इतनी पत्थर दिल हो गई है तारा, तू कौन सा दुख है इस संसार का जो मैंने तुझे नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये विनती कर रही है, अरे मालिक अगर आगे जन्म हो तो ये हरिचंद ही तुझे पति के रूप में मिले। तारा मैं कैसे तेरे इन संस्कारों को नमन करूं, कैसे मैं तुझ पत्थर दिल से बात करूं, अगर तू इतना मुझे चाहती है तो फिर मेरी भी कुछ उस मालिक से विनती है। मैं भी बता दूं तारा क्या, अरे प्रार्थना मेरी ईश्वर से जब तू जा मुझे शरीर मिले, त्रिशंकु का पुत्र बनूं और अवधपुरी जागीर मिले, आगे जन्म हो मेरा तो मदनावत ही पीर मिले, आगे जन्म हो मेरा तो मदनावत ही पीर मिले। अरे डायन का मुझे दर्जा मिल गया, डायन का मुझे दर्जा मिल गया, छोटे पूते की चस्के हरे बद डायन कहिए, छोटे पूते की चस्के। और किसी से ना उतरे जो बाट शिखर में टांगे रही, जो तेरी जान का लेवा है उसरी अगले जन्म में भी मांगे रही, तेरी जान का लेवा है उसे अगले जन्म में भी मांगे रही। और चलते ने जला दूंगी जी, हो हो जागी, तेरी तेग के नीचे मेरी गर्दन झुकती हो जागी, तेरे हाथ से अरे तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साचन मुक्ति हो जागी, तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साचन मुक्ति हो जागी। दया कर मत डायन पे पिया, दया कर मत डायन पे हसके मत डायन कहिए, छोटे पूते की चस्के मत डायन कहिए, छोटे पूते की चस्के। आदरणीय रतनलाल जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों अगर रागनी समझ में आ रही है और ये कलाकार जोर लगा रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे देंगे, जोरदार तालियों से। और भाई ये छोटा सा बच्चा है किसी का, माता बहनों से निवेदन है अपने पे नजर मार लें, किसी का हो तो इसे ले जाएं, बहुत देर से परेशान है। किस तरह से अंतिम और चौथी कली में राजा हरिश्चंद्र विलाप कर रहा था, तारावती समझा रही थी महाराज आप ही के कारण
हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ी, लेकिन हम अपने धर्म पर अडिग रहे हैं। आपने भी अपना धर्म निभाया है और मैंने भी अपना धर्म निभाया है। क्या चौथी कली में रागनी का तोड़ कर दिया, क्या निचोड़ करया, क्या लिखा? भाई साहब मिसाल चुंदर की कैसा मसला लोहा लाठे हुआ, हरिचंद अब सोच में है दुखिया बार बाटे हुआ। नाव डूब गी छोड़े मैं ना नदी चढ़ी न घाटे हुआ। नाव डूब गी छोड़े मैं ना नदी चढ़ी न घाटे हुआ। कंठी चीर तार के फिर भी गोसा मरिया होया। अपने धर्म पे मैं अपने धर्म पे खड़ी रही, तू अपने धर्म पे खड़िया होया। मैं अपने धर्म पे खड़ी हुई तू।